हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल डेटा फॉर ट्रेडर्स। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कैसे हम एंजल के स्मार्ट एपीआई के थ्रू बैंक निफ्टी पे स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल की ऑप्शन स्टडी को बिल्ड कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक स्टेप था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एलाइज ब्लू के केस में सेम प्रोसेस को करके एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो आज हम वही सेम काम करेंगे बट इन एलाइज ब्लू। और लास्ट का जो एंजल का था, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कुछ स्टेप बताए थे जो कि बहुत ही बेसिक हैं कि अपने को क्या करना था कि LTP उठानी थी, हेल्प ऑफ LTP मेथड, फिर हमें ATM स्ट्राइक कैलकुलेट करना था, फिर अपने को CUP स्ट्राइक के टोकन जनरेट करने थे, फिर उसे ऑर्डर को प्लेस कर देना था। सेम थिंग है बट LIC प्रॉब्लम क्या है कि अपने पास LTP मेथड का कोई API नहीं है। ओके, तो इसको कैसे हम करेंगे? तो LIC में इससे मोर पावरफुल थिंग है मार्केट डेटा फील्ड, तो हम उसका यूज करने वाले हैं। तो सेम एलो को मैंने चेंज कर दिया स्टेप्स को, यू कैन से। तो ये देखो स्टेप क्या होगा, हम LTP निकालेंगे स्पॉट का, तो इसे हम यूज करेंगे मार्केट की लाइव डेटा फील्ड को। तो आप केवल बैंक निफ्टी को सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ से डेटा को लेके आएंगे और सिंपल अपने LTP चाहिए। उसके बाद सेम प्रोसेस, LTP के थ्रू ATM निकालो, ATM के बाद आप CUK और PE के स्ट्राइक, हियर इट विल बी PE, CNPE स्ट्राइक डिटरमाइन करेंगे। स्ट्राइडर है तो स्ट्रैंगल है तो आप 200-300 पॉइंट ऐड कर सकते हो, जो भी आपके क्राइटेरिया होगा। और फिर हम सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं, सिंपल है वही है। बस चेंजेस क्या हो रहे हैं कि वहाँ पे अपने पास LTP के लिए API स्पेसिफिक थी, तो अपने को वो फीड की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब यहाँ पे LTP कॉल तो है नहीं, तो हम फीड यूज करने वाले, दैट्स ऑल, बस इतना ही और कुछ नहीं। ओके, और मैं यूज करने वाला हूँ LIC के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन जो कि उसका गिटहब पेज है। ओके, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कोड दिए गए, बस इन्हीं कोड को आपको यूज करना है। कैसे क्या करना हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। ओके, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने LIC पे कभी भी इंटीग्रेशन नहीं किया तो आई रिकमेंड यू गो ऑन दिस वीडियो LIC API सेटअप। इसके थ्रू आपको LIC की API की और ऐप ID कैसे सेटअप करते हैं, कैसे उसे आप जनरेट करते हो, सब मैं एक्सप्लेन कर रखा है। और मेन थिंग एक्सेस टोकन जनरेट करना, ये सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन है, तो प्लीज़ पहले इसको देख लेना अगर आपने कभी यूज नहीं किया है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, और बाकी मोस्टली कोड यहाँ पे है, मैं यही कोड यूज़ करने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोडिंग प्रोसेस। तो अपन चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे और आते हैं सबसे पहले इधर। ओके, तो LIC ब्लू में अपने API को क्रिएट करने के लिए आपके पास 5 पैरामीटर चाहिए, यूजर नेम, पासवर्ड जो आपके पास होगा ही अगर आपका अकाउंट है, और 2 FA क्वेश्चन, जिसके 2 क्वेश्चन पूछते हैं लॉगिन टाइम पे, वही दोनों क्वेश्चन के आंसर इट मस्ट बी सेम, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और सीक्रेट ID ऐप की, क्योंकि सॉरी सीक्रेट की एन ऐप ID, ये आप जनरेट करोगे, ये 5 पैरामीटर आपको चाहिए। ये सारे क्रेडेंशियल यहाँ पे डमी है, तो मैं यहाँ पे अभी अपना क्रेडेंशियल अपडेट कर दूंगा जिससे कि हम आगे प्रोसेस को कर सके। फाइन, तो ये बस मैंने आपको दिखाया था कि आपको ये 5 पैरामीटर आपको सेट करने हैं। फाइन एंड जस्ट कम, ये आप प्रोसेस समझ गए हो तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट इट। अपने कुछ लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट होगी तो मैंने उसको पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर अपने को एक्सेस टोकन जनरेट करना है। ओके, तो कैसे जनरेट करते हैं, ऑलरेडी यू कैन गो ऑन गिटहब पेज आ गया, तो आपको यहाँ मिल जाएगा एक्सेस टोकन के जो फंक्शन है यहाँ पे liceblue.login.getaccess। ओके, इफ यू कॉल दिस फंक्शन यू विल गेट एक्सेस टोकन। ओके, उसके बाद जब आपको एक्सेस टोकन मिल जाता है, आफ्टर देन व्हाट यू कैन डू, उस पर अपने को LIC नेम से एक ऑबिट क्रिएट करना होता है। ओके, सेम है, यूजर ने पास करना होगा पासवर्ड, एक्सेस टोकन जो आपने ऊपर जनरेट किया उसको यहाँ पास करो, और फिर मास्टर कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली आपकी सेगमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को डाउनलोड करना चाहते हो, NSCBSC NFO फ्यूचर के लिए NFO यूज करते हैं। फाइन, ये 2 प्रोसेस हैं, जैसे आप इसे रन करोगे आपको एक्सेस टोकन मिल जाएगा, LIC ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, मतलब फर्स्ट एक्सेस टोकन मिलेगा उसका यूज करके आपको LIC ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और मेन गेम पूरा इस LIC ऑब्जेक्ट का है। एक बार ये मिल जाता है फिर आप उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट आप क्रिएट कर सकते हो आप। तो मैंने इस GitHub पेज के जितने कोड है इन्हीं को कलेक्ट किया है और इन्हीं को बस एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और इससे हम स्ट्रेटजी बिल्ड कर लेंगे। ओके, तो आई थिंक यू गेट आइडिया, और आप उसे एक बार अच्छे से देखना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम इसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। ओके, तो मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, तो मैंने वो जो एक्सेस टोकन LIC ऑब्जेक्ट जनरेट करने का प्रोसेस है उसको ऑलरेडी मैंने लिख रखी है, आई जस्ट गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट दैट। तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया सेम प्रोसेस मैं यहाँ कर रहा हूँ, LIC ब्लू लॉगिन गेट स्टेटस के थ्रू मैंने यूजर पास किया पासवर्ड, ये ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखा है ऊपर, और 2FA क्वेश्चन एंड API जनरेट किया ऐप ID। ये पास करने के बाद यू कैन, ओके यू कैन डिलीट दिस वन, दिस लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड। और जैसे मैं इसे रन करूँगा अपने को एक्सेस टोकन मिल जाएगा, इट्स सम रैंडम वैल्यूज जस्ट रनिंग, अपने को आ गया एक्सेस टोकन। ओके, इसका मतलब सब कुछ फाइन है। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने को बैंक निफ्टी की LTP चाहिए। ओके, ये कैसे मिलेगा, अपने को मार्केट फीड सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बैंक निफ्टी। ओके, मैं बात कर रहा हूँ स्पॉट की, नॉट फ्यूचर।
जो सब्सक्राइब करने का कोड है वो ऑलरेडी गिटहब पेज पे यहाँ पे एक्सप्लेन है, बट मैंने थोड़ा इसको मॉडिफाई किया है क्योंकि मेरे को LTP चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी वो कोड रिटन है, मैं उसे कॉपी कर रहा हूँ। इधर यू कैन सी सेम कोड है यहाँ, बस जो चेंजेस मैंने किया है ये देखो, इधर आपको चेंज करना होगा। अगर आप निफ्टी यूज़ कर रहे हो तो यू कैन जस्ट रिप्लेस दिस बैंक टू 50, निफ्टी 50, और बैंक यूज़ कर रहे हो तो जस्ट बैंक, फाइन। और जो भी फीड से मैसेज आता है उसमें सिक्योर अपने मुझे LTP, ओके। तो एक बार मैं काम कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली फीड में आता क्या है और कैसे क्या चलता है। ओके, जस्ट रन दिस थिंग और यू कैन सी ये अभी क्या ना, मार्केट क्लोज है, फाइन। यू कैन सी राइट टाइम इट्स 12:06 AM, ओके। और अभी ट्रेंड ट्रेंड है, मार्केट क्लोज है, तो फीड ऐसे आपको यहाँ पे बस एक ही लास्ट वाली दिखती है। अगर आप इसे आप लाइव मार्केट रन करोगे, ये हर एक सेकेंड पे टिक बटी डेटा यहाँ पे आता रहता है, ओके। तो मैं बस सस्पेंड कर रहा हूँ इन लाइव मार्केट, यू विल गेट टिक बटी डेटा और कंटिन्यूसली आता रहेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो जो पूरा फंक्शन है, ये सॉरी पूरी जो रिस्पॉन्स है वो इस फॉर्मेट में, इसमें से मेरे को ये LTP चाहिए, ओके। तो मैंने यहाँ क्या किया कि आई जस्ट पार्स LTP फ्रॉम देयर एंड असाइन इन द वेरिएबल नेम इंडेक्स LTP, यू कैन सी फ्रॉम हियर इंडेक्स LTP, ओके। यहाँ से मैंने LTP को असाइन कर दिया इंडेक्स LTP में, और टाइम स्टैम्प का कोई मतलब तो नहीं है, तो वी कैन डिलीट दिस थिंग इफ यू वांट, यू कैन आल्सो यूज द टाइम स्टैम्प, फाइन। जैसे ही आप इसे रन करोगे ना, आपको जो भी लेटेस्ट LTP चल रही होगी वो इस वेरिएबल में असाइन करेगी, फाइन। आप ये भी कर सकते हो कि एक बार इसे रन करने के बाद LTP लेने के बाद स्पीड को बंद कर सकते हो, पर ठीक है वो हम बाद में कर लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और एक और चीज़ है, LTP देखो तो अभी 3459 है, ओके। ये वैल्यू सही नहीं है वैसे, राइट नाउ आई थिंक 36,000 के आसपास है वैल्यूज, बट ठीक है, मतलब LTP जब लाइव मार्केट रन करोगे तो यहाँ सही वैल्यू आएगी, ओके। ये भी बस कुछ वैल्यू यहाँ पे गड़बड़ है, ओके। जस्ट एज्यूम की वैल्यू सही है, इससे 3459 है, ओके। अब जब अभी आप अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट LTP को सिंपल बस रनिंग, यू कैन सी 3459, एज्यूम करते हैं कि ये LTP हमारा स्पॉट का है, ओके। तो अपने को क्या करना है, ATM स्ट्राइक निकालना है। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ का प्रोसेस है, इसके बाद एग्जैक्टली सेम है, ATM का स्ट्राइक निकालना है, उसके बाद वहाँ के सी और पी के इंस्ट्रूमेंट के सिंबल निकालने और सेल कर देना, दैट्स ऑल। तो अभी क्या हुआ, मैंने ATM स्ट्राइक निकाल लिया, मैंने राउंड अप कर दिया नेक्स्ट 100 पे, अगेन यू कैन सी इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 34,600 में, दिस इज माई ATM, ओके। और जो भी वैल्यू मुझे मिली है इट्स नॉट अ करेक्ट वैल्यू, बस एज्यूम कर रहे हैं कि अभी की ATM यही है, ओके। और इसमें से दो स्ट्राइक वैल्यू ऊपर और नीचे एड, सॉरी इस स्ट्राइक प्राइस के करस्पॉन्डिंग सी और पी के अपने को सिंबल जनरेट करने हैं, ओके। तो कैसे करते हैं, इसके लिए भी अगर आप यहाँ पे जाओ तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं कैसे आपको टोकन जनरेट करना होता है, यू कैन सी सिंबल, यू कैन सी फ्रॉम हियर। यहाँ पे देखो आपको LIS.GET इंस्ट्रूमेंट फॉर FNO कॉल करना होता है, और सिंबल पास करना है, एक्सपायरी डेट देनी है जो भी है, और अगर फ्यूचर है तो यहाँ पे ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स, जैसे हमें हमारा जो है फ्यूचर नहीं, हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो हमें फॉल्स पास करेंगे, स्ट्राइक दोगे आप और सी पी नहीं की, मैंने सारे केस यहाँ दे रखे हैं फ्यूचर के लिए, कॉल के लिए, पुट के लिए, ओके। सेम थिंग मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ एग्जैक्टली सेम। तो अभी मैंने देखो यहाँ क्या किया, सिंबल पास कर दी बैंक निफ्टी, ये ध्यान रखना है यहाँ पे बैंक निफ्टी पास करना है और इधर निफ्टी बैंक पास करना है, ओके। जस्ट कीप दिस इन माइंड, ओके। एड एक्सपायरी डेट अपनी 24th जून के लिए मैंने, ओके। मैंने वीकली नहीं लिए, ये मैंने लिया है मंथली, आप यहाँ चेंज कर सकते हो, फ्यूचर नहीं है तो फॉल्स पास कर दिया, और ATM स्ट्राइक क्या है, ATM की है, यहाँ पे ATM स्ट्राइक पास कर दिया, और सी ट्रू है इसके केस में फॉल्स है क्योंकि ये पुट है ना, जस्ट रन दिस थिंग और जो यहाँ पे आ गया अपना इंस्ट्रूमेंट। अब बस आपको इसको बाय और सेल करना है, इसको पास कर दिया, जस्ट सिंपल। अगर आप स्ट्रैगल सॉरी स्ट्रैंगल यूज कर रहे हो तो यू कैन जस्ट एड सम वैल्यू, लाइक यहाँ पे आप 200 ऐड कर दो और इधर 200 माइनस। मैं थोड़ा कन्फ्यूज रहता हूँ स्टैंडर्ड और स्ट्रैंगल में, जो भी है दो पॉइंट अवे करके आप यहाँ रन कर लो, देखो सेम है, ये 34,600 है, देखो 34,800 आ गया, और दो कम करके यहाँ पे 34,400 आ गया। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है यू कैन जस्ट प्लस माइनस दिस थिंग, ओके। राइट नाउ आई जस्ट मेक इट एज इट इज ATM, फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अपना ऑर्डर प्लेस कर लो। ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, अगेन यू कम ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड सी एट लास्ट यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ पे देखो ऑर्डर प्लेसमेंट का कोड लिखा गया है सिंपल एकदम। यहाँ पास करना है बाय या सेल, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट देना है, इंस्ट्रूमेंट हमें ऑलरेडी निकाल रखा है, और यहाँ पे क्वांटिटी की जो आप देना लॉट साइज, जैसे आपको 1 लॉट 25, 2 लॉट 50, ओके। तो तीन पैरामीटर यहाँ पे चेंज होंगे, बाकी मार्केट वही करेंगे, डिलीवरी लेंगे, इफ यू आर इंट्राडे या पास ईयर इंट्राडे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी यू कैन सी फ्रॉम देयर। तो सेम कोड है, मैंने इसको एक फंक्शन में डिफाइन कर दिया प्लेस ऑर्डर नेम से, और हम दो पैरामीटर पास करेंगे, ट्रांजेक्शन टाइप बाई एस एल और सिंबल क्या है, सिंबल ये अपने ऊपर हमने यहाँ निकाला ना सी स्ट्राइक पी स्ट्राइक, ये सिंबल है, और बाई सेल तो अपने को सेल ही करना है, अगर आपको बाई करना है तो बाई कर सकते हो, ओके। ये बेसिकली फंक्शन है और इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है, तो यहाँ मैंने सेल पास कर दिया और सी पास कर दी, और फिर मैंने यहाँ पे
ये करते हैं, सो दैट यू वोंट कंफ्यूज। यहाँ पर अब ऐसे इसको रन करूंगा, अपना पहला ऑर्डर जाएगा सी स्ट्राइक करस्पॉन्डिंग टेल का, सेकंड जाएगा पी स्ट्राइक करस्पॉन्डिंग। ओके तो करंट वैल्यू जो है यहाँ पे मैं फिर से रन कर देता हूँ। ओके 34600, 34600 बोथ आर बस सी और पी। ओके अब मैं आता हूँ अपने अकाउंट पे, अकाउंट में देखो तो जस्ट टेस्टिंग के लिए मैं अभी जस्ट कुछ ऑर्डर प्लेस किए थे कि कुछ सही है, तो 6 ऑर्डर यहाँ पे हैं, इसे मैं रिफ्रेश कर नोट कर देता हूँ। ओके तो आफ्टर रिव्यू यू कैन सी यहाँ पे 6 ऑर्डर है, फाइन। अब मैं जैसे ही प्लेस करूंगा यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 6 + 2 = 8, और टाइम देख सकते हो यहाँ पे ये 23:36 है, 23:22, ठीक है। जस्ट कॉमन ऑफ कोड और मैं इसे रन कर रहा हूँ, रन से रन इट यू कैन सी प्लेस ऑर्डर सेल। ओके एक ऑर्डर यहाँ चला गया, अगर मैं यहाँ पे आऊँ यू कैन सी रिसेंटली दिस वन। ओके ये ऑर्डर है अपना 01258, और सिमिलरली अगर मैं इसको प्लेस करूंगा अगेन ही प्लेस हो गया, जस्ट कॉम ईयर एक और ऑर्डर आ गया 03-1312 के, ये दो ऑर्डर जस्ट अभी आए दिस वन। ओके 6 थे 8 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑर्डर आ गए, दिस मीन्स इट्स वर्किंग फाइन। ओके ये लाइव मार्केट होती तो ये एग्जीक्यूट हो जाता, बट राइट नाउ मार्केट इज क्लोज। ओके सो आपने देखा कैसे हमने इजीली, एक बार फिर समराइज कर लेते हैं, मैंने क्या किया, पहले हमने लॉगिन किया, लॉगिन करके हमने एलआईएस का ऑर्डर क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद हमने सब्सक्राइब किया बैंक निफ्टी को, ओके स्पॉट प्राइस मेक श्योर, अगर आप इसको फ्यूचर पे बेस पे करना था फ्यूचर बेस पे यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो, फाइन। और उसके बाद हमने एलटीपी गेट की एटीएम स्ट्राइक निकाली यहाँ पे, उसके बाद हमने एटीएम करस्पॉन्डिंग सी और पी की स्ट्राइक कैलकुलेट की सिंपल, और फिर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया सिंपल, वही 5 स्टेप यहाँ भी जो कि एंजल में थे, बस थोड़ा डिफरेंस है, वहाँ पे एलटीपी की मेथड थी, यहाँ पे सॉरी एपीआई थी, यहाँ पे हमने मार्केट फीड यूज किया। ओके दैट्स वे यू कैन क्रिएट द स्टैंडर्ड स्ट्रैंगल व्हाट एवर यू वॉन्ट। अब इसको मैं आता हूँ जो आपको सबको इंतजार रहता है प्रॉपर कोडिंग का, क्योंकि ये तो ऐसे डॉट्स हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने यूज किया था, अब उसे हम कनेक्ट कर लेते हैं इसमें वीएस कोड में, सेम थिंग यू कैन सी हियर। ओके यहाँ पे अगर आप देखो सेम थिंग है, यूजर नेम पासवर्ड यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया है। ओके और ये 4 पैरामीटर्स हैं, एल आईज एंड इंडेक्स एल टी पी स्ट्रैंकर, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। सेम देखो लॉग इन है, जो हमने लॉग इन काम किया ना अभी वहाँ पे, लॉग इन और सब्सक्रिप्शन वो सब इसमें है, फाइन। उसके बाद ये देखो ऑर्डर प्लेसमेंट का ये है फंक्शन, कैसे प्लेस करने का जो मैं एक्सप्लेन किया आपको। हम स्टार्ट करते हैं मेन से, जब ये रन करोगे इसको ये मेन से स्टार्ट होगा ना, तो पहले लॉग इन करेगा ये कम ईयर एंड लॉग इन एंड सब्सक्राइब एवरीथिंग। मैंने टाइम और स्लिप इसलिए किया है कि लॉग इन करके सब्सक्राइब करके डेटा आने में थोड़ा सा 10 मिनट 10 सेकेंड लगता है, तो जस्ट आप डेटा फेच करोगे फर्स्ट टाइम तो उठा वैल्यूज रिसीव बढ़ाती है, तो 10 सेकेंड या 15 सेकेंड वेट करना चाहिए। आफ्टर देन मैंने क्या किया, वही एटीएम स्ट्राइक निकाली, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू जैसे ही आप लॉग इन करोगे आप 10 सेकेंड वेट करोगे तो इंडेक्स एल टी पी वैल्यू असाइन हो जाएगी यहाँ पे, हमने किया ना ग्लोबल इंडेक्स इक्वल टू एल टी पी असाइन हो चुकी होगी, ये हमने अभी वहाँ पे किया था जुपिटर नोटबुक पे। आफ्टर देन एटीएम स्ट्राइक आ गई, अब यहाँ मैंने देखो पेमेंट आ गया स्ट्रैंगल के लिए, अगर आपको स्ट्रैंगल करना है यू कैन मेक दिस थिंग इज अर, इसमें मैंने देखो फॉल्स कर रखा है, तो अभी ये सिंपल ऑर्डर ये फॉल्स होगा तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो अवे फ्रॉम एटीएम जीरो तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा और यू कैन सी स्ट्राइक भी सेलेक्ट करेगा, उसमें 0 ऐड करेगा, मीन्स की सेम स्ट्राइक है एटीएम वाली, ये स्ट्रैडल बन जाएगा। अगर आपको स्ट्रैंगल करना तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट चेंज दिस पैरामीटर एज ए ट्रू, जिसे आप ट्रू कर दोगे अब क्या होगा, ट्रू करने के बाद यहाँ पे जैसे ये ट्रू होगा तो यहाँ पे 500 पॉइंट यहाँ पे ये ऐड कर देगा, जिसे आप चेंज कर सकते हो 200, 300, 500 पॉइंट ऐड हो गए, फिर जो नया स्ट्राइक आएगा वो एटीएम से 5 पॉइंट प्लस और फॉर सी एंड माइनस फॉर डी ये आएगा और ये ऑर्डर यहाँ पे दे जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि किसी को स्ट्रैंगल करना है तो ट्रू फॉल्स कर सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि स्ट्रैंगल वाला किसी भी रन करता हूँ, क्योंकि हमने अभी स्ट्रैंगल कर देख चुका है। ओके तो हम करते हैं स्ट्रैंगल केस, फाइन। तो राइट नाउ मैंने अपने करेक्ट क्रेडेंशियल अपडेट कर दिए और मैं इसे रन कर रहा हूँ, रन करने के बाद क्या होगा, आफ्टर 10 सेकेंड ये वेट करेगा और फिर 500 पॉइंट अप एंड डाउन यहाँ पे दो पोजिशन क्रिएट हो जाएंगी, और हम आते हैं अपने एलआईएस के अकाउंट पे भी, यू कैन सी 8 ऑर्डर आ चुके हैं। ओके फाइन अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, फीड है जो अभी हमने जनरेट किया था ना लास्ट टाइम, अब देखो सेकंड वेट किया और देखो 2 इंस्ट्रूमेंट आ गए, अब देखो अब इस बार 35100 सी आई है और 34100 500 हमने प्लस माइनस कर दिया था और दो ऑर्डर यहाँ पे प्लेस, तो अगेन कम बैक ऑन और टर्मिनल हियर
यहाँ देखो 10 ऑर्डर आ गए, देखो दो ऑर्डर जस्ट अभी आए ना, 35 100, 34 100। तो आपको मैंने स्टार्टर दिखा दिया और स्ट्रैंगल दिखा दिया, दोनों केसेस हैं। और भी शायद मैं स्ट्रैंगल को स्टैंडर्ड बोल दिया हूँ तो इसके लिए सॉरी, बट आप कॉन्सेप्ट समझ जाना। ओके, मैं कन्फ्यूज होता हूँ स्टैंडर्ड और स्ट्रैंगल। ओके, तो जस्ट कम टू अवर कोड, फाइन, ये कोड है और इसे मैं एज यूजल अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जिसकी आपको इंतजार रहती है। फाइन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओवर एंड आउट, बाय।